सो गाइज, ये जो कंसोल टेबल और मिरर है ये मैं आज हटा रही हूँ। कोई इसको लेने आ रहे हैं, बहुत साल हो भी गया, थोड़ा इसका पेंट पूरा ख़राब हो गया, आप देख सकते हो। अब ये नहीं रखना है मुझे, तो मैं हटा रही हूँ। एक्चुअली मैं सिर्फ चीज़ें नहीं खरीदती हूँ, टाइम टाइम पे उसको हटाती भी। जैसे फर्नीचर वगैरह आपने देखा होगा, पहले भी बेड हटाया, ये हटाया। कपड़े वगैरह मैं डोनेट कर देती हूँ, कपड़े जूते चप्पल सब अगर अच्छे हैं तो। बाकी ये सब मैं हटाती हूँ टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है कि लेके बर्बाद करती हूँ। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, बट किसी को इसकी ज़रूरत है तो वो ले रहे हैं। जा रहा है कंसोल टेबल और मिरर, बहुत साल से था हमारे पास, अब जा रहा है। देखिए रो रहा है, कह रहा है क्यों जा रहा है, मुझे चाहिए, तुम्हें मिरर चाहिए, मिरर आ जाएगा दूसरा। सो गाइस, अभी फिर से मंदिर में हो रहा है कुछ काम, क्या हो रहा है आपको बाद में पता चलेगा। मैंने कारपेंटर को बुलाया है और ये सब ठीक करवा रही हूँ, क्योंकि जो सोचा था मैंने वो तो करना ही था बस इसीलिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो ये देखिए आया है ये लाइट, एलईडी लाइट है, डे टू डे से लेके आए हैं और इसका अभी कहीं तो यूज़ करने वाले, 10 मीटर की है ये, तो दो ले लिया है, देखते हैं कहीं दोनों का यूज़ हो जाए या फिर एक में ही काम चल जाए, देखते हैं। सो गाइस, अभी मंदिर का ऊपर का एरिया क्लीन हो रहा है, क्योंकि मैं अगर सीढ़ी पे चढ़ती भी हूँ तो इतना ऊपर तक नहीं मतलब कर पाती हूँ, फिर भी एनिमेश नहीं करते हैं, बट अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ तो होना है, अभी आप देखेंगे क्या होगा। सो गाइस, एनिमेश का इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, वो चले गए हैं, तो मैं अभी यहाँ पे चढ़ के चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ। पूरा ऊपर तक तो मुझसे नहीं होगा, बट जितना होगा कोशिश करती हूँ। ये डबल साइडेड टेप है, ऐसे जो पीसेस में कटे हुए आते, तो इससे चिपका रही हूँ। सो गाइस, एनिमेश का कॉल ही ख़त्म नहीं हो रहा था, पूरे 2 घंटे बाद एनिमेश आया, उनके बॉस का कॉल आ गया था, तो मुझसे हो नहीं रहा था। फिर मैंने दिमाग लगाया कि इसको नीचे उतार लेते हैं, आराम से हो जाएगा, तो हमने नीचे ही उतार लिया इसको। अब तो अब इसको चिपका लेंगे। पहले हम दूसरा टेप यूज़ कर रहे थे, अभी हम ये वाली टेप यूज़ कर रहे हैं। इसमें थोड़ी ग्लू ज़्यादा है और जो ट्रांसपेरेंट भी है, तो अभी इससे कर रहे हैं। सो गाइज, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत लग रही है, क्योंकि अभी हम ट्रांसपेरेंट टेप से कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है ना कि हम उसको काट रहे हैं बीच से, वो चौड़ा है, वो ये सीजर पे ही चिपक जाती है, देख रहे हो ऐसे ख़राब हो रही है बार बार। तो इसको काटने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, उस पर चॉपिंग बोर्ड पर रख के पहले काटते हैं, फिर इसको मतलब इस तरह से इसको पकड़ते हैं इससे, फिर चिपका रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा देंगे ना चौड़ा, तो फिर बाद में धूल मिट्टी इस पर चिपकेगी तो ये गंदा दिखने लगेगा एक्स्ट्रा पार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप भी लाइक करना। सो गाइस, चिपक गया ये, अब ऊपर डाल रहे हैं इसको, तो अभी इसको जलाएंगे, देखते हैं। ये देखिए, इसको जला दिया और अभी इसका चेंज कर रहे हैं, 6 मोड में चेंज कर सकते हैं। ये तो बहुत मुश्किल से हुआ है। गाइस, ये लग गई है, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो हमने 12 या 13 दिन हमें खरीदा डे टू डे से, तो ये जस्ट मुझे ट्राई करना था कैसा लगता है, हम लगा पाते कि नहीं। मेहनत तो लगी टेप काटने पे और वो दिख भी रही है एक्चुअली टेप, आपको पता नहीं कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, सामने से दिख रही है, जबकि हमने उसको बहुत पतला काटने की कोशिश की, फिर भी वो दिख रही है, तो वो एक चीज़ है, बहुत ध्यान से देखो तो दिखेगी, लेकिन है दिख रही है, और पतला काटते तो शायद नहीं दिखती, ये बात है। और लेकिन वही है ना, 2 पार्ट में काटना था, एक पतला काटते तो फिर एक मोटी रह जाती, और अगर एक पतली वाली बस लगाते तो मोटा पार्ट फेंकते तो बहुत बर्बाद होती, तो वो चीज़ है। तो ये तो हमने लगाया, बट अगर हम इस पर नियॉन लाइट लगाते ना तो वो थोड़ी और मोटी होती है, तो अच्छा लगता, लेकिन वो एक्चुअली थोड़ी महंगी आती है, तो हम पहले रिस्क नहीं लेना चाहते थे, पहले ये ट्रायल के तौर पर लगाया कि देखते हैं क्या है, तो ये अच्छी लग रही है अभी। आप लोगों ने कमेंट किया था कि साईं बाबा गुरु हैं तो उनको ऊपर नहीं रखने के लिए, तो मैंने भी साईं बाबा का मतलब यहीं पे रखने का सोचा था, पहले से यही सोच के मैं इस साइज की मूर्ति लेके आई थी, लेकिन वो सरस्वती माता की मूर्ति थोड़ी सी बड़ी आ गई थी, वो आ नहीं रही थी, तो मैंने कारपेंटर को बुलाया। ये बात मेरे मन में मतलब वो हो रही थी कि मैंने मूर्ति यहाँ तो रख दी थी, बट ये गेट बंद करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उनको बुलाया, उन्होंने ना थोड़ा थोड़ा ये दोनों शेल्फ को नीचे कर दिया, तो थोड़ा थोड़ा नीचे होने से ना भले यहाँ की हाइट थोड़ी कम हो गई, तो हो सकता है अभी जो मैं लक्ष्मी नारायण की बड़ी मूर्ति लेके मैंने रखा हुआ है वहाँ होम टाउन में, वो शायद नहीं आएगी इसमें, तो छोटी मूर्ति है तो वो मैंने अभी रखा हुआ है यहाँ पे,
तो इसकी हाइट और कम हो गई है, मुझे लगता है 6.5 इंच हो गया, 7 इंच इसकी हाइट बढ़ा दिया दोनों तरफ से। और ये एक लाइट जो मैंने लेके आई थी वो ट्रायल के तौर पे लगाया है, पूरी लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये काम भी कर रहा है, मतलब ये बड़ी है थोड़ी सी, छोटी नहीं मिली। ऑब्वियसली उसमें सेल लगते हैं 3, तो इतनी लंबी तो होगी ना सेल के साइज़ की, तो इसीलिए इतनी बड़ी है। बट ठीक है, गोल्डन कलर का इसलिए मैंने लिया, वाइट और गोल्डन दो ऑप्शन था, मैंने गोल्डन लिया। तो भगवान जी के फेस पे अभी लाइट आ रही है अच्छे से, और अभी सब में लगाना बाकी है तो वो लगा लूँगी। ऊपर भी लाइट लग गई है, वही अगर नियॉन स्ट्रिप होती तो और ज़्यादा अच्छी दिखती, पूरा कलर उभर के, मतलब लाइट बहुत उभर के आती है। बट ये भी ठीक ही लग रहा है, 12 दिरहम में 10 मीटर मिली थी, एक्सपेरिमेंट के तौर पर लेके आए थे कैसा लगता है क्या लगता है, बट ठीक लग रही है। तो बस अभी कुछ ऐसा किया हम लोगों ने मिलके। अभी एक पार्सल आया है, मुझे तो पता ही इसमें क्या है, बस खोलेंगे अभी। तो ये आई है चेयर निया के लिए, एक्चुअली पिंक और ब्लू मंगाना था हमें नवनिया के रूम के, मतलब कलर थीम के हिसाब से, तो कहीं भी शॉप में मिल नहीं रही थी, वैसे तो हमने ऑनलाइन मंगा लिया और प्राइस भी सही मिल गया, इतने कम में नहीं मिलता शॉप। एक चेयर आ गई थी नव के लिए, हमने मंगाया था तो वो ऐसे ही आई थी, असेंबल थी, ये थोड़ा निकला हुआ है तो इसको असेंबल करना, वो तो ऐसे ही आई थी। सो गाइस, हमारे घर में जो बेडरूम है उसको हम लोग स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रखा हुआ है, तो बहुत कुछ अभी मुझे निकालना है। और ये जो बैग्स वगैरह हम लोग ट्रैवल में लेके गए थे, 2 बैग तो वहाँ से खरीद कर लेके आए हैं, तो वो सब अभी इसमें डालना है। तो बस यही साफ़ सफाई चल रही है सैटरडे मॉर्निंग। सो गाइस, ये वाला टेबल निकाला, अभी साफ़ करेंगे जन्माष्टमी के लिए, और वो सारा सामान है, तो वो बैग टूट गया था वो भी फेंकेंगे, बैग पुराना है थोड़ा डैमेज है वो भी जाएगा फेंकने के लिए, बाकी वो सब कुछ कुछ सामान निकालना है फेंकने के लिए, कार्टन वगैरह खा लिए थे, और वो कुछ कुछ और अभी निकालना है। एक इधर है, उधर भी पैकेट सब है बने हुए, बहुत सारा सामान आज निकाला है फेंकने के लिए, ये भी फेंकने के लिए निकाला है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो ये 2 लाइट्स मैंने मंगाए थे, तो ये तो बहुत बड़े साइज़ का आ गया, एक्चुअली साइज़ का आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने 2 ऑर्डर किया था कि जो सही लगेगा वो रख लेंगे हम लोग, तो हम ये छोटा वाला रखने वाले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अभी मैं वापस करूँगी, रिटर्न में डाल दिया मैंने, लेके जाएंगे। क्यों मंगाया है जो आप देखोगे ही, ये लाइट कुछ ऐसी थी, ये एक्चुअली क्रिस्टल जैसी दिख रही, क्रिस्टल है नहीं, ये एक्रेलिक है, इसका प्राइस बहुत ही कम है, और लेकिन ये मैं वापस कर रही हूँ क्योंकि बहुत बड़े साइज़ का, ये वाली मैं रखने वाली हूँ छोटी साइज़ में। सो गाइस, आज है सैटरडे और अभी हम लोग जा रहे हैं आउटलेट मॉल, इन लोगों के लिए शूज़ वगैरह लेने हैं, स्कूल खुल गए ना इसलिए, बैक टू स्कूल में अभी ऑफर होगा ना इसलिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो बस निकल चुके हैं हम लोग आउटलेट मॉल जाने के लिए, दोपहर का टाइम है, और जो लाइट्स वगैरह लगाए और क्या क्या चीज़ें हुई इससे पहले के ट्रिप्स में आपने देखा, कंसोल टेबल हटा दिया मैंने, कुछ और खरीदेंगे, मतलब वो पुराना हो गया था, बहुत पेंट वेंट हट गया था उसका, तो बस यही है। और बाकी सारी चीज़ें मैं अभी धीरे धीरे घर से हटा रही हूँ, बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखना है मुझे, इसीलिए इस बार आपने देखा होगा इंडिया शॉपिंग हॉल में भी छोटी छोटी चीज़ें लेके आई हूँ मैं, ज़्यादा सामान लेके नहीं आई हूँ क्योंकि सामान मुझे बढ़ाना नहीं, उल्टा कम ही करना है, तो आज भी क्लीनिंग किया है सुबह से बहुत ज़्यादा, और धीरे धीरे अब सामान कम ही करने का सोच रही हूँ, और कुछ कुछ चेंजेस वगैरह करने का भी सोच रही हूँ। तो लाइट्स जो लगाया हमने अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा और अच्छा लगना चाहिए ये हमें लगता है ऐसा, तो कुछ कुछ चीज़ें करेंगे आगे, देखते हैं क्या होता है। और जो वो छोटे छोटे लाइट लेके आई थी वो भी लगाऊंगी, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। फिलहाल तो अभी चलिए आउटलेट मॉल, पार्किंग खोजने जा रहे हैं निमेश, हमें उतार दिया, चलो। अभी तक निमेश नहीं आया, तो हम लोग जा रहे हैं फूड कोर्ट में, और अभी मैं कुछ खा लूँगी क्योंकि अभी के बाद मुझे खाना नहीं है, रात के करीब 11 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है अल्ट्रासाउंड का, तो फ़ोन पे बोला है कि 6 घंटे पहले ही खाना है, पानी पी सकते हैं बट खाना 6 घंटे पहले तक खा सकते हैं, तो अभी खा लूँगी, अभी के बाद फिर मैं खाऊँगी नहीं रात के 11 बजे तक, इसीलिए लंच कर लेती हूँ। आज हमारा लंच का बाहर प्लान है, साफ़ सफाई में भी लगी रह गई सुबह से। बस नवनिया जब भी आउटलेट मॉल आते हैं तो यहाँ की पूरी भाजी ज़रूर खाते हैं, बेडमी पूरी, तो वही अभी खाएँगे। हाँ, डिलीशन डिलीशियस। तो ये है बेडमी पूरी भाजी जो नवनिया को बहुत ज्यादा पसंद है, तो इनके लिए आया। ये हम लोगों का है नॉनवेज प्लेटर, तो इसमें एक नान है, बिरयानी है, मतलब कोई भी सब्जी ले सकते थे, तो मैंने छोले लिए, एक पनीर की सब्जी ली है, दाल मखनी है,
तड़का वाली दाल भी थी, दो ऑप्शन था चूज़ करना था, सब्जी चार पांच तरह की थी, आलू गोभी और कड़ी पकौड़ा ये सब था, तो मैंने यही छोले लिए। और ये बटर चिकन है, रायता सैलड वगैरह। पूरा सेल लगा हुआ है हर जगह, स्कूल शूज वगैरह पे। बहुत दिनों से आने के बाद ना मैंने कुछ भी ये भी नहीं खाया, सिर्फ फ्रूट्स खा रही हूँ। आज थोड़ा खाया और चल रही थी तो, और चला भी आज थोड़ा ज़्यादा, तो नींद में फिर से दर्द होने लगा, चलती हूँ तो दर्द होने लगता है नींद में। तो वही है, जाओ तुम, दड्डी बुला रहे होंगे ना, जाओ उसका साइज नहीं चेक करना है, मुझे नहीं बुला रहे हैं। तो अभी इतने दिनों से जो हमारा डाइट चल रहा था, मतलब मेरा, मैं फ्रूट्स ही खा रही थी ज़्यादा और 6:30 बजे तक खा लेती तो उसके बाद कोई मिल नहीं, तो मैंने वेट भी रिड्यूस करना शुरू कर दिया था। इंडिया में तो मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, 5 kg मैं बढ़ा के आई हूँ वहाँ से, तो अभी कम करना, क्योंकि सारे डॉक्टर ने मुझे यही बोला है सबसे पहले कि नींद पर जोर पड़ता है वेट कम करना, अपर बॉडी का वेट ज़्यादा है, पैर पतले हैं। ये देखिए ना, आपका पैर और मेरा पैर बराबर ही होता जा रहा है, इसका छोटा है अभी। इस रूम में जो बुक शेल्फ लगे थे ये भी मैंने सेल पे डाला था, तो ये भी आज जा रहा है। और अभी नवनिया के फ्रेंड्स आए हैं नवनिया से मिलने के लिए, जो यहाँ से चले गए इस बिल्डिंग से, तो नवनिया काफ़ी मिस कर रहे थे हमारे आने के बाद, वो लोग आज मिलने आए हैं, तो बस ये लोग खेल रहे हैं अभी। तो गाइज हम लोग गए थे आउटलेट मॉल, वापस आ गए हैं और बस नवनिया के शूज लेने गए थे, क्योंकि अभी बैक टू स्कूल ऑफर में हमें लगा कि वहीं पे अच्छा मिल जाएगा कुछ, तो लिया भी है। अनिमेश ने बोला कि ज्यादा टाइम ये लोग स्कूल में रहते हैं ना, तो सुबह से 2:30 बजे तक रहते हैं, तो शूज तो कम्फर्टेबल होने ही चाहिए क्योंकि वही पहन के दिन भर रहते हैं। और बोलते हैं कि हमारे बचपन में हम लोग मतलब नॉर्मल शूज पहनते थे, दिन भर रहते थे तो शूज बाइट हो जाती थी, इसीलिए स्केचर के शूज लिए हैं दोनों। वो जो शूज है ना, मतलब मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, और वो है कि थोड़ा बड़ा भी है तो, पर फिर भी पैर से नहीं निकल रहा है, तो ऐसे मतलब इस तरह का वो है। और अभी बज रहे हैं रात के 10, अभी मैं निकल रही हूँ, एस्टर हॉस्पिटल जा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था सैटरडे की रात 10 बजे, मतलब 10:40 पे मेरा अपॉइंटमेंट है अल्ट्रासाउंड का, मतलब 6 घंटे पहले से कुछ नहीं खा रहा था, मैंने जो वहाँ पे दिन में खाया वही खाई हुई हूँ, उसके बाद कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पी रही हूँ। और अभी तो अभी अल्ट्रासाउंड होगा, घर आते आते मुझे लग रहा है 12 बजेंगे, क्योंकि जाने के बाद तुरंत तो नहीं हो जाएगा। सो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं, मंदिर का गेट बंद कर दिया है, रात भी काफी हो गई है, तो देखिए मैं सोच रही थी लाइट हटा दूंगी, मैंने ऑर्डर भी कर दिया दूसरा अच्छे क्वालिटी का, बट इतना भी बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, मतलब 12-13 दिराम में आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इसका 6 मोड है, 6 अलग अलग तरह से इसको चेंज कर सकते है। दूसरा अभी आपको निमेश दिखाएंगे, हुआ तो अच्छा, ज्यादा जल्दी होने लगा, ठीक है तीसरा करो, हाँ चौथा, ये है फोर्थ, हाँ अब और करो, एक ये और एक और, एक ये, तो इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। तो है इसमें 6 अलग अलग तरह के, ठीक ही लग रहा है, बट वो वाली आईजी लाइट तो वो भी देखेंगे, उसमें चेंज नहीं कर सकते, वो जलती रहेगी, इसमें थोड़ा ऐसा है। और भी लोग हैं अभी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। हो गया मेरा अल्ट्रासाउंड और रात के बज रहे हैं 11:30, तो भूख भी लगी हुई है जोरों से, और नवनिया को भी लगी हुई है भूख, तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाड़ा के बाहर, तो कुछ देखते हैं। और डॉक्टर ने यहाँ भी कंफर्म कर दिया, मतलब बोल दिया मुझे, रिपोर्ट तो आएगी 45 मिनट्स के बाद कि पॉलिप है, और जो साइज वहाँ बताया था वहाँ यहाँ भी वही बताया, तो पता नहीं अब आगे क्या करेंगे, देखते हैं। सो गाइस फिर हम गए नहीं अल्हारा, क्योंकि फिर बच्चों ने मना कर दिया कुछ नहीं खाने वाले, फिर मैंने बोला छोड़ो, अनिमेश एक्चुअली शाम में घेवर लेके ला के रख दिए थे, तो अभी इसमें से हम लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, छोटा ही सा घेवर है, वीडियो में बड़ा दिख रहा है बट है इतना ही छोटा। और अनिमेश अमरूद खा रहे हैं, जनरली हम लोग कितना आजकल 6:30 बजे तक तो खा ही लेते हैं, आज है मेरा अल्ट्रासाउंड की वजह से थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि भूखे रहना पड़ा इतने देर।
इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं खाया, क्योंकि मिठाई की दुकान में चले गए थे और फिर बॉक्स पे भी चले गए थे, इनका भी छूट गया। गुड मॉर्निंग गाइस, तो ये देखिए रूम का नज़ारा। कल वो जो यहाँ पे बुक शेल्फ थी ना, जिसपे हम लोग ये सारे कुछ रखते थे, एक्चुअली वो बुक शेल्फ नाम की ही थी, हमने बहुत पहले से ले रखा था, मतलब एनिमेश ने लिया था हमारे आने से पहले। तो मैंने पहले भी बताया था, कोई अपना पूरा सामान बेच रहे थे, कोई डॉक्टर, तो वो हमने पूरा बेड बेड खरीद लिया था उनसे ही, तो ये सब भी उसी के साथ था। तो बुक शेल्फ नाम का ही था, उस पर ये मेडिसिन, ये क्रीम, ये सब इधर उधर ही रहता था, सारा मेडिसिन का ही बॉक्स वगैरह था। तो कल वो लेके गए, वो हमने हटा दिया, वो भी डैमेज हो, बहुत ज़्यादा, बहुत पुराना था वो और बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका हुआ था, तो हमने हटा दिया यहाँ से, क्योंकि वो सामने में पूरा, वो अगर हम उस पर शो पीसेस वगैरह रखते तो सही लगता, बट वो खुला था ना, तो शो पीसेस वगैरह मैंने उस पर रखे थे, बट वो शो पीसेस वगैरह ना, वो जो आपको फ्लावर पॉट वगैरह दिख रहा है, वो सब कहीं पीछे चला गया था, आगे पूरा ये परफ्यूम और ये क्रीम मेडिसिन वगैरह यही सब रहने लग गया था, तो अच्छा नहीं दिखता था। अभी हमारे घर पे गेस्ट भी आ रहे रहने के लिए, तो वो सब अभी हमें हटाना था। अभी बेड के साथ क्या हुआ था, ये पूरा पेपर चिपका हुआ था, ये सब हट रहा है, और ये देखिए पूरा डैमेज हो गया। ये तो फिर भी चलो ठीक है, इसका पूरा ये पैर, ये पूरा निकल जाता है, बहुत मुश्किल से उसमें दूसरा कुछ लगाया हुआ, ये दो निकल गए। तो ये अब सोने के लायक भी नहीं, बहुत आवाज़ भी करता है, लगता है गिर जाएगा, तो ये हमने हटा दिया है। जो पुराने फर्नीचर लेते हैं ना, वो आके इसको लेके जाएंगे। बेड पे इतना सारा सामान है, सबको ये पैकेट्स वगैरह में रखेंगे, लेके हटाएंगे और बेड खाली करेंगे, तो वो लेके जाएंगे। बेड है, ये साइड टेबल्स है, और ये देखिए कितना गंदा है इसके पीछे, ये सब अभी क्लीन करना है। ये देखिए पूरा टूट टूट के गिरा, ये पेपर वगैरह चिपका हुआ, ये माइका लग रहा है लेकिन है नहीं। शेल्फ जो लेके गए हैं वो तो किसी ने मुझसे लिया है, मतलब ओल्ड फर्नीचर बायर नहीं थे, बट ये बेड वगैरह मैंने ओल्ड फर्नीचर बायर को दिया, तो वो बिल्कुल ही, मतलब सोचो कि कुछ भी पैसे नहीं जो दे दिया उन्होंने, तो पूरा सेट मैं मैट्रेस के साथ उनको ऐसे ही दे रही हूँ, क्योंकि ये निकल नहीं रहा था बेड पूरा सेट, तो अभी मुझे हटाना था, तो क्या ऑप्शन कुछ नहीं था। सो गाइस देखिए हम सब लगे हैं काम में, ये देखिए पुराने दवा वगैरह सब फेंक रहे हैं, जो भी कुछ है एक्सपायर्ड, और ये देखिए इसमें कचरा वगैरह जमा कर रहे हैं, सब पूरा फैला हुआ है। ये रूम पूरा खाली करना है अभी, सब कुछ ये सब सारा खाली हो चुका है, तो सारे पैकेट्स में सामान रख दिए हैं, अब वो बेड पेड का सामान खाली कर रहे हैं। सो बेड पूरा खाली हो गया है, तो ये बेड जा रही है आज, ये ड्रेसर, बेड मिरर, वो एक साइड टेबल, ये एक साइड टेबल, इतना कुछ चला जाएगा, और बुक शेल्फ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ही चला गया, तो ये सब जा रहा है। सो गाइस आज संडे, दिन भर इधर उधर में ही चला गया पूरा, साफ सफाई बहुत सारा काम था आज, और जन्माष्टमी की भी तैयारी करनी है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। यही नव का स्कूल का शू है आया, यही, और ये निया का, दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग अलग लिया है। नव का जो साइज़ है ये 34 है, थोड़े दिन बाद ये मेरा शूज़ पहनेगा, देखिए मुझसे बिल्कुल थोड़ा सा ही छोटा है, और यहाँ का तो छोटा है अभी, और ये है नब का वाइट, दो लेना रहता है ना, काफ़ी कंफर्टेबल शूज़ है, पहन के दौड़ वौड़ के सब कुछ करके देख लिया, तो यानी मेश का कहना था कि दिन भर पहन के रहेंगे इतने टाइम तक रहते हैं, सुबह से शाम तक कंफर्टेबल शूज़ होनी चाहिए। हालांकि नब्बो थोड़ा सा बड़ा है, बट सॉक्स पे आ जाता है, और इसमें क्या है ना कि थोड़ा बड़ा भी होता है, तो इसको थोड़ा जोर से बंद कर दो तो चलता है, मतलब ये चलेगा शूज़, अभी एक दो साल तो चलेगा ही अच्छे से, ये पूरा ईयर निकल जाएगा। पहले जल्दी जल्दी ख़रीदना पड़ता था हमें, वो शूज़ ख़राब हो जाते थे अगर नॉर्मल कुछ भी लेते थे तो, और साल में दो तीन बार ख़रीदना पड़ जाता था। और ये निया का एक पार्सल आया है, बट इसको असेंबल करना है, अपने आप में बहुत सर दर्द है, बट क्या करूँ, करना तो पड़ेगा, तो ये क्या है आपको बाद में दिखाती हूँ। तो चलिए गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तो तैयारी भी करनी है अभी पूजा की मुझे, कल जन्माष्टमी भी है, तो जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।